खेल में बच्चे को पढ़ाया जाता है। चहक गतिविधि विद्यालय में कराने से बच्चे को पढ़ने में मन लगता है और इससे बच्चे सीखते भी हैं। खेल खेल में पढ़े छे और हमरा के सीखबो करे छे। लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर जिले के विभिन्न विद्यालयों में चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो है बच्चों को संगीत गीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक शिक्षिका आप तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से गीत संगीत के माध्यम से जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी लाभान्वित भी बच्चे हो रहे हैं, संख्या भी बच्चों की बढ़ती हुई दिख रही है। जो बच्चे कभी स्कूल नहीं आते थे, जो समय पर स्कूल नहीं आते थे और समय से पहले जो है स्कूल से चले जाते थे, वैसे बच्चे अब पूरा समय जो है वो स्कूल में बिता रहे हैं। चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर ये कार्यक्रम चलाई जा रही है। जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो बच्चों को जो है गीत संगीत के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं, काफ़ी खुश भी हो रहे हैं, खूब मज़े भी बच्चे ले रहे हैं। गीत संगीत के माध्यम से बच्चे पढ़ाई भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। शिक्षक शिक्षिका भी आपको वहाँ पर दिख रहे होंगे किस तरह से गीत संगीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीर इन दिनों काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है। पहले जो वहाँ पर बच्चे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और जो वहाँ पर शिक्षिका है वो क्या कुछ कह रही है, पहले वो आप सुने। बच्चे को नाच गाना गा के पढ़ाया जा रहा है, खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है, इसमें बच्चे को क्या लाभ मिलता है? विद्यालय में चहक के माध्यम से गतिविधि कराया जाता है और खेल खेल में बच्चे को पढ़ाया जाता है। चहक गतिविधि विद्यालय में कराने से बच्चे को पढ़ने में मन लगता है और इससे बच्चे सीखते भी हैं। हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण सुलिंदाबाद सहरसा में दिया गया था। वो प्रशिक्षण लेकर हम लोग बच्चे के बीच चहक गतिविधि कराकर बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मैडम हमरा के पढ़वै छे, खेल खेल में पढ़ै छे और हमरा के सिखबो करै छे, मोनो लागै छे। समय न जाए खाली। क्या कुछ जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे वो क्या कुछ कह रहे हैं, शिक्षिका क्या कुछ कह रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, बच्चे भी खूब मज़े से पढ़ाई कर रहे हैं। जो गीत संगीत के माध्यम से पढ़ाने का जो तरीका है वो बताया जा रहा है ताकि बच्चे के दिमाग में जो पढ़ाई को लेकर जो बात है वो ठीक तरह से आ सके, इसको लेकर ये कार्यक्रम चलाया गया है। ये एक अच्छी पहल शिक्षा पदाधिकारी की, ये एक अच्छी पहल देखने को मिली है जहाँ इस पहल के बाद जो है जिले भर में यह विषय की जो चर्चा है वो बनी हुई है और
काफ़ी बच्चे भी इसको लेकर जो है काफ़ी लाभान्वित भी हो रहे हैं। और जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, जो टाइम पे समय पर स्कूल नहीं आते थे और समय से पहले स्कूल से अपने घर चले जाते थे, वैसे बच्चे भी अब पूरा समय जो है स्कूल में बिता रहे हैं। और शिक्षक शिक्षिका भी आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, शिक्षक शिक्षिका भी गीत संगीत के माध्यम से, डांस के भी माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बच्चे के चेहरे पर काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, काफ़ी मुस्कान बच्चे के चेहरे पर देखने को मिल रहा है और बच्चे खूब मज़े ले रहे हैं और मज़े के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहरहाल अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।